जलती शमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। नेपाल की राजधानी पशुपतिनाथ की नगरी काठमांडू के समीप सुंदर शहर भानेश्वर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय दीपा दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1977 में ललितपुर नेपाल के एक व्यापारिक परिवार में हुआ। बाल्यकाल से ही आप में सीखने सिखाने की कला, सच्चाई सफाई, बड़ों का आदर सत्कार, ईमानदारी, यौन परोपकार आदि गुण विशेष हैं। सन 1990 में शांति की खोज में आपने बोध भिक्षु का चोला धारण कर ईश्वर की खोज प्रारंभ की। फलस्वरूप आपको सन 1994 में ललितपुर सेवा केंद्र पर ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक ईश्वर और बहनों के निस्वार्थ सेवा भाव से प्रभावित होकर आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। समाज सेवा की भावना दिल में धारण कर आपने शिवपिता की श्रीमत प्रमाण सन 1994 से ललितपुर, त्रिशूली, काठमांडू, सिंधुपाल आदि सेवा स्थानों पर ईश्वरीय सेवाएं प्रदान करती हुई सन 1997 से भानेश्वर की विशेष सेवाएं संभाल रही। मानवीय जीवन मूल्यों व चरित्र निर्माण में विशेष सहयोग देते हुए आपने अनेकानेक कार्यक्रम जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंगम दर्शन मेला, पर्यावरण संरक्षण अभियान, स्वास्थ्य जागृति अभियान एवं आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय 5 सेवा केंद्र, 12 गीता पाठशालाओं में 15 शिवशक्ति टीचर्स बहनों के नेतृत्व में 500 से भी अधिक विद्यार्थी नियमित रूप से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। Thank you.
मेरा लौकिक माता पिता विशेष धार्मिक स्वभाव संस्कार के थे, जिसके कारण लौकिक पिताजी रात को सोते समय 33 कोटि देवी देवताओं के नाम जप करके ही सोते थे। और उस टाइम मुझे लगता था कि आखिर कौन होंगे ये 33 कोटि देवी देवताएं। और माताजी विशेष करके कृष्ण प्रणामी और वैष्णव धर्म से जुड़ी हुई थी। ये होते हुए भी मैं बचपन से ही बुद्धिस्ट स्कूल में पढ़ने के कारण ऑटोमेटिकली बुद्धिस्ट में भी मेरा ध्यान चला गया था, उनके प्रति झुकाव था। ऐसा करते करते मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ अचानक ही हुआ, और जिसके कारण एक दिन लगभग मैं 6 क्लास में पढ़ती थी तो उस टाइम जैसे ही मैं स्कूल में कोई फंक्शन के कारण थोड़ा लेट से घर में वापस आ रही थी तो दो बुद्धिस्ट जो भिक्षुणी जिसको गुरुमा कहते हैं, तो उन्हों को देखने से ही मेरे मन में बहुत रिगार्ड का भाव आ गया और मैंने दोनों ही हाथ जोड़ करके उन्हों को नमन किया। तो नमन करते ही दोनों गुरुमाओं ने मुझे बहुत प्यार से देखा और कुछ वरदानी शब्द भी बोले, और बोलते बोलते मेरा नाम पूछ लिया, घर ठिकाना सब कुछ पूछ लिया। और जैसे ही मैं उन्हों से छूटने के बाद फिर मैं अपने लौकिक घर में गई और माताजी को सब कुछ बता दिया कि माताजी मैंने आज इस प्रकार से बुद्धिस्ट मंक को मिली, और साथ में उन्होंने मेरा सब कुछ मना हाल खबर सब कुछ पूछ लिया और मैंने सब कुछ मना कह दिया। ऐसे कहते कुछ मिनट के बाद मीन्स लगभग आधा घंटे के बाद ही वे दोनों ही गुरुमा घर में आ गए और मुझे इतना खुशी हुआ कि मना जैसे ही वे दोनों ही आ गए तो आने के बाद माता जी से यही बात किया कि अगर हम लोग आपकी बेटी को मांगेंगी तो क्या आप देंगी। तो थोड़ा सा माता जी को मन में आया कि ये तो मेरी बेटी को ही मांग रही है, पर फिर बाद में उन्होंने बहुत प्यार से समझाया। समझाने के बाद फिर माता जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मना कुछ सीखेंगी मना बचपन से ही तो वो भी अच्छा ही है करके पढ़ाई के लिए ही उन्होंने मांग किया। और मैं भी उन्हों को देखने के बाद उन्हों की बातें सुनने के बाद मुझे अच्छा लगा और लगभग एक मास तक वहाँ जैसे कि उन्हों के ही ड्रेस में जैसे कि प्रबज्ञा कहते हैं वो होके एक मास तक वहीं पर रही। उसके बाद 4 साल तक उन्हों की जितने भी पढ़ाई होता था वो पढ़ाई भी मैंने पढ़ी। और अचानक फिर बुद्धिस्ट में भी जा रही थी और माताजी फिर इसी दौरान में बीच में क्या हुआ कि माताजी बाबा के ज्ञान में आ गई। तो जैसे ही माताजी ज्ञान में आ गई तो माताजी बहुत सारी बातें बाबा की मुझे सुनाने लगती थी तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मना दोनों का मत ही थोड़ा भिन्न था। जैसे कि बुद्धिस्ट में आंख बंद करके ध्यान करते हैं और बाबा के ज्ञान में आंख खोल के, तो ये क्यों इतना अंतर है ऐसा मेरे मन में लगता ही रहता था। जैसे कि कुछ गाना बजाना उसमें मेडिटेशन करना और वहाँ बिल्कुल मना पिन ड्रॉप साइलेंस में याद कर, दोनों के इन बातों के कारण थोड़ा सा मुझे कैसा कैसा लगता था। बाकी ज्ञान में आने से
कुछ मास पहले से ही मुझे ऐसा फील होने लगा था, लगभग मैं उस टाइम 10 क्लास में पढ़ती थी और उस टाइम मेरे मन के अंदर थोड़ा सा जैसे कि आंखों से देखते तो हैं पर आंखों का काम हमेशा देखने का ही क्यों रहा, कानों से सुनते हैं कान का ही काम क्यों सुनने का हुआ। इस प्रकार से बहुत सारी प्रश्न मेरे मन के अंदर आता ही रहता था और मैं माताजी से पूछती थी, माताजी मेरे मन में क्यों ऐसा प्रश्न आ रहा है, और माताजी सीधा ऐसा ही जवाब दे देती थी कि तेरे मन में थोड़ा थोड़ा वैराग्य आने लगी है तो अब तू जल्दी ही ज्ञान में चलेगी। पर मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना जल्दी ही ज्ञान में आ जाऊंगी। पर फिर अचानक एक दिन क्या हुआ कि लौकिक घर में जैसे ही मैं स्कूल से लौट रही थी तो घर में ही ब्रह्मा कुमारी बहने दीदियां विशेष करके घर में आई हुई थी और उन दीदियों के चेहरे से बहुत सादगी झलक रहा था और इतनी मधुरता उनकी एक एक वाणी में और साथ में बहुत अपनापन का फील हो रहा था। और उसी दिन क्या हुआ था कि स्कूल में कोई सहेली ने कहा कि आज किसी दूसरे सहेली के पास कुछ प्रोग्राम है, वहां जाना है। तो मुझे कैसे भी करके उस प्रोग्राम में नहीं जाने का था, मन में ठान लिया था कि कैसे भी करके मुझे नहीं जाना है वहां। तो ब्रह्मा कुमारी दीदियां आ रही थी तो दीदियों को देखते ही मुझे उन्हों की शीतल दृष्टि, मधुर वाणी और साथ में अपनेपन का बहुत भाषणा मिल रहा था और दीदी जी ने बहुत प्यार से पूछा था कि बहन आप भी कभी कभी सेंटर में आ जाया करो ना। तो मैंने धक से कहा कि दीदी अगर मैं आऊंगी तो सदा के लिए ही आऊंगी, तो क्या आप रखेंगी वहां पर? तो दीदी ने कहा कि क्यों नहीं रखूंगी, आ जाओ ना तब तो रखेंगे। तो मैंने कहा तो फिर आप आज ही ले जाएंगे मुझे? तो दीदी ने कहा हाँ क्यों नहीं, जबकि मेरा उस टाइम भले कोर्स नहीं हुआ था पर बहुत ही भावना था, तो जिसके कारण उस दिन मुझे दीदी ने साथ में लेके गई। और जैसे ही मैं सेंटर में पहुंची तो सेंटर के वातावरण इतना पावरफुल जिसके कारण मुझे ऐसा फील हो गया कि मैं बहुत लेट हो गई। बहुत लेट होने के कारण अब मुझे किस प्रकार से यहाँ के जो जितने भी पढ़ाई है उसको मैं कवर करूं, ऐसा फील हो रहा था। और दीदी ने कहा कि अब तुम छुट्टी मिला करके कोर्स करना, क्योंकि मुझे कैसे भी करके उस दिन घर में नहीं बैठना था। अगर मैं घर में बैठती तो फिर सहेलियां आएंगी, साथियां आएंगी और साथियों के साथ मुझे जाना पड़ेगा। इस हिसाब से मुझे थोड़ा उसी दिन निकलना था और निकल गई वहां से। तो सेंटर के वाइब्रेशन के कारण फिर दूसरा मुझे क्या हुआ कि अब कैसे भी करके मुझे जल्दी से जल्दी कोर्स करना है। जैसे ही कोर्स के लिए फर्स्ट दिन बाबा के घर में गई तो कोर्स में सबसे पहला लेसन जो आत्मा का था, आत्मा के लेसन पढ़ते ही मुझे जितने भी अंदर बहुत सारी सवाल था उन सवालों का मुझे जवाब मिल गया। जैसे कि मुझे पहले से ही शिव और शंकर का अंतर भले मालूम नहीं था पर मुझे आंतरिक रूप से लगता था कि शिव और शंकर एक हो ही नहीं सकता। और साथ में चक्र का ज्ञान भी बहुत अच्छा लगा और कोर्स करते ही जैसे कि अभी नहीं तो कभी नहीं ये स्लोगन बहुत दिल से टच हो गया, जिसके कारण इतना मुझे जैसे भी करके मतलब इस पढ़ाई को कवर करूं ये बार बार फील होता था। और इस प्रकार से मेरा ज्ञान में आना हुआ और उसी टाइम मेरा थोड़ा विंटर वैकेशन का टाइम भी था
तो उसी टाइम दीदी ने मुझे फिर सेंटर में कुछ दिन ऐसे ही छुट्टी के टाइम में रहने के लिए कहा। बस गई थी मैं केवल एक सप्ताह के लिए। जैसे ही सप्ताह पूरा हो गया और मैं घर में लौटने के लिए मेरी माताजी गई थी, और जैसे ही माताजी वहां पर गई तो माताजी ने कहा अब चलो। मैंने कहा हाँ चलना ही है। पर उसी टाइम दीदी ने मुझे ऐसा पूछा कि क्या तुम सचमुच जाओगी? तो मैंने कहा हाँ दीदी मैं तो जाऊंगी करके ही फिर अचानक क्या हुआ कि मेरे मन में दीदी भी ऐसे कह रही हैं, और मेरा आंतरिक रूप में तो मन था ही था, यही डर था कि कहीं माताजी मुझे छुट्टी नहीं देंगी। तो बाकी एक धक से छुट्टी दे दिया कि माताजी ने अगर तू रहना चाहोगी तो रह सकती हो, पर फिर पीछे मुझे कुछ नहीं कहना कि मैंने कुछ तुमको प्रेशर में मना की रखी सेंटर में रहने के लिए। तो मैंने कहा हाँ मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। इस प्रकार से मेरा लौकिक से अलौकिक जीवन मिला, और अलौकिक यात्रा वहां से ही मेरा शुभारंभ हुआ। और जैसे ही मैं बाबा के ज्ञान में आई तो मैंने मुझे मेरे आंतरिक रूप से यही रुचि था कि विशेष करके कैसे भी करके कोई भी बात सीख लूं और सबको बहुत प्यार से सिखाऊं। और आंतरिक हिसाब से सच्चाई सफाई की पाठ मुझे बहुत अच्छा लगता था, और जैसे भी करके ईमानदार होकर रहना है हर जगह हर स्थान पर, ये विशेष मेरे मन के अंदर था ही था। और मैं जैसे ही पहली बार बाबा के मधुबन घर में गई 1994 में मैं ज्ञान में आई, और 1995 में बाबा मिलन हुआ। तो पहली बार जब बाबा मिलन में गई तो सबके साथ तो गई, बाबा मिलन के लिए गई। जैसे ही मधुबन बेहद घर में पहुंची तो मधुबन पहुंचते ही मुझे ऐसा फील हुआ कि ये तो मेरा अपना ही घर है, और मुझे कुछ भी नया नहीं लगा। जहां भी जाती थी जो कुछ भी देखती थी सब कुछ मैंने पहले भी देखा था, देखी हूं और अभी देख रहा हूं, ऐसा लगता था। और साथ में जितने भी दादियों को दीदियों को संपूर्ण ब्राह्मण परिवार को देखती थी तो मुझे बहुत अपनापन का फील होता था, और हर एक से बहुत अधिकार का फील होता था। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आंखों में छाया है, सदा ये आंखों में छाया है। दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते, नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार, भूलता है नित्य नया रंग, भूलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल में समाया है।
मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। बाबा कभी भी मुझे कोई भी चीज की मतलब कभी भी कोई भी कंफ्यूजन में बाबा ने नहीं रखा। समय प्रति समय शिव बाबा ही माँ बन करके भी मुझे पालना दिया है, साथी बन करके भी पालना दिया है, जैसे कि साजन बन करके भी बाबा ने पालना दिया है। मीन्स सर्व संबंधों की इतनी अच्छी तरह से अनुभव है, इसलिए बाबा को किन शब्दों से थैंक्स दूं, मेरे अंदर कोई ऐसा शब्द ही नहीं है। उसी प्रकार बाप समान दादियों के प्यार में भी कोई कमी नहीं है। दादी दादी का ये दिल, दादी दादी का ये दिल, हर बात में मुझे क्लियर होना है, क्योंकि नेचर से ही मैं थोड़ा स्पष्टवादी होने के कारण ही मना कि हर बात में मुझे क्लियर हो, ऐसा मुझे लगता है। और साथ में कभी भी मेरे कारण से बड़ों को टेंशन लेना न पड़े, हमेशा बड़े निश्चिंत रहें और यज्ञ के प्रति वफादार रहूं। कि आज तक मैंने दस वर्ष पहले से मैं जानता हूं दीपा दीदी को, लेकिन 10 वर्ष में मैंने कभी भी उनको तनाव में, स्ट्रेस में नहीं देखा, कभी भी मैंने उनको गुस्सा में नहीं देखा, जबकि वो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। दीपा दीदी के दिल में एक बाबा दूसरा न कोई। एंड सी इज वेरी जेंटल एंड वेरी काइंड, बिकॉज ड्यूरिंग द डिस्कोर्सेज ऑफ राजयोगा आल्सो आई यूज्ड टू आस्क हर क्वेश्चन, she is to reply me. And another thing I liked about her is she can supervise all these people. So many people are there, but then she is there as a leader. दीपा दीदी स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरे को भी संतुष्ट करती है, और दीपा दीदी पालना देने में नंबर वन है, जिस कारण से हम गर्व से कहते हैं बानेश्वर की भाई बहने दीपा दीदी जैसा टीचर मिलना हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। दीदी का जीवन एक खुले किताब की तरह है, क्योंकि दीदी बताती है कुछ भी बात हो तो बड़ों को बताना चाहिए, और दीदी यही करती है, जो कुछ भी होता है बड़ों को कहकर वो हल्का होती है, और यही हमको भी सिखाती है। माँ की ममता की कोई मोल नहीं होती, माँ की पालना की कोई मोल नहीं होती, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होती। बहुत लोग मिल जाते हैं हर एक मोड़ पर, मगर आपकी तरह कोई अनमोल नहीं होती, कोई अनमोल नहीं होती। पतवार तुमको है अर्पण, जी
स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। दिलों जा से बा